आज हम जो है बस स्टैंड से शुरू कर रहे हैं अपनी काली दिवाली। तो काली दिवाली के रूप में जो इतने ट्रांसपोर्टर हमारे बहुत सारे भाई साथ में हैं, तो जो देश में मोदी सरकार ने काले कानून लेके आई, इसी खेती के तीन कानून जो बन गए हैं, पराली को संबंधी ऑर्डिनेंस है, और उसके उपलक्ष्य में जो पंजाब में मालगाड़ियां बंद कर दी, पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है, उनको ध्यान में रखते हुए हम आज बस स्टैंड से काली दिवाली मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो उसकी शुरुआत आज हमने किया, काले झंडे लगाए हैं काली दिवाली। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भाई हमारे साथ खड़े, उनके यूनियन तीन ही लीडर हैं, सारे सीनियर लीडर। तो इसलिए हम जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम दोपहर में कचहरी में जाके वकीलों का सहयोग लेंगे, कल दुकानों पर जाएंगे। हम पूरे देशवासियों को, नौजवानों को खास करके संदेश देना चाहते हैं कि आप जहां भी घरों से निकलिए, काले झंडे लीजिए, किसान मजदूर के घर के ऊपर लगे, हमारे ट्रैक्टर पे, व्हीकल पे, और जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर, शॉप पर, घरों के ऊपर काले झंडे लगा के इस दिवाली के उपलक्ष्य में सरकार को संदेश दे कि आप तीन खेती के कानून रद्द करिए और पूरे पंजाबी और पूरे भारतवासी एक साथ एकजुट होकर कानूनों को रद्द कराएं। और दूसरी हमारी बेनती है कि जो भी दिवाली का त्यौहार आएगा, आप जब पाठ पूजा करेंगे तो जो भी करें तो पंजाब के भले के लिए, पंजाब में से एक कानून रद्द करने के लिए। और दूसरा हमारी बात है कि देश के वासियों को और पंजाब के वासियों को इस आंदोलन में हमें कामयाबी मिले, वो आस्था के साथ मनाएं, और इस बार काली दिवाली मना के सरकार को संदेह भी तीन कानून जो रद्द होने चाहिए। देखिए हमारी शाम 4 बजे मीटिंग है तरन तारण में सूबा कोर कमेटी की, उस मीटिंग में फैसला किया जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह होती भी केंद्र मालगाड़ी चला लेती, मालगाड़ी चलानी चाहिए थी और सारी देश की यूनियन को बुलाना चाहिए था, ये नहीं। फिर भी हम 4 बजे के बाद निर्णय लेंगे इसके बारे में। तरसेम सिंह बखीवेंड जी, और जनरल सेक्रेटरी पंजाब स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन सीटू। आज जो प्रोग्राम ये बन रहा है किसान जथियों बंदे की तरफ से, इसके साथ हम जो ट्रांसपोर्ट है पंजाब की यूनियन जो उसके जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, मैं सभी किसान जथेबंदियों का जो हमायत करता हूँ। और 5 तारीख को भी जो चक्का जाम हुआ था उसमें भी हम फुल अपने साथी लेके गए थे, हमायत की थी। और मोदी सरकार का जो ये ऑर्डिनेंस 3 जो इसने लागू किया है, इसको वापस करा के रहेंगे। हम उस दिन भी बोला था कि इसके साथ हम किसान जथेबंदियों के साथ, क्योंकि जो कनेक्टेड ड्राइवर है ये सभी किसान है, सभी मजदूर है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है इसका साथ देंगे और मोदी सरकार का नक में दम कर देंगे कि जो है कानून 3 ऑर्डिनेंस वापस ले जान। क्योंकि ये ऑर्डिनेंस बन गए तो जैसे बिहार में हुआ था, जो किसान थे वो मजदूर बन गए, जो अभी इधर आके जो दिहाड़ी दप अपना रेड़ी वगैरह लगा के काम करते हैं वो किसान है। इस करके पंजाब को जो इसने ऑर्डिनेंस लागू कर दिए तो पंजाब का जो किसान है जो भी मजदूरी करने पर जाएगा। आज किस तरह से किया जाए, क्या किया जा रहा है आज काली दिवाली मना रहे हैं हम। काली दिवाली का मकसद ये है कि रोष प्रकट कर रहे हैं कि हम जो खुशी का दिन है, कोई खुशी नहीं हमारे में हमारे साथियों में, किसान जथेबंदियों में, किसानों में, मजदूरों में। हाँ जी, पोस्टर जो है हम जगह जगह लगा रहे हैं, आज शुरुआत की है, दिवाली तक यही करेंगे। इनका साथ ही फूल दे रहे हैं हम किसानों का, पोस्टर लगा रहे हैं कि हमको ये जो त्यौहार है ये नहीं अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हम तो हमारी तो ज़मीनें जा रही है, हमारी धरती खो के लेके जा रहे हैं। हाँ जी, काले झंडे भी लगा रहे हैं बसों में रोष प्रकट करने के लिए।